ये संघर्ष है अश्लीलता नशाखोरी और महिलाओं को जिस तरीके से सिनेमा और मीडिया ने जो दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है उनको एक समान नागरिकता के अधिकार के लिए। क्रिटिकल सिचुएशन है कि उनको आईसीयू में भर्ती होना पड़ा, वो हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। और आज आप वहां पे आप जाके देखिए, वो प्रोटेस्ट की जगह जो है हर व्यक्ति जाके वहां पे सपोर्ट कर रहा है। एक छोटी सी घटना, बस एक 7th क्लास के स्टूडेंट जो है वो उस प्रोटेस्ट साइट पे जाके कहती है कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि डॉक्टर्स जो हम लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं, मेरी दीदी जिसको साथ इतना बड़ा घिनौना जघन्य अपराध हुआ उसको आज न्याय नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स हंगर स्ट्राइक पे है और मैं कैसे खाना खा सकती हूँ, मैं कैसे घर में आराम से बैठ सकती हूँ। आप सोचिए 7th क्लास के स्टूडेंट का वो कॉन्शियसनेस है कि वो अपने मम्मी को कहती है कि मुझे कहीं और नहीं जाना है, मुझे उस प्रोटेस्ट साइट पे जाना है। लेकिन आम जनता और उसी कॉन्शियसनेस के साथ वो आम जनता निकल रही है बाहर, लेकिन सरकार, पुलिस प्रशासन, जुडिशरी, उनका वो कॉन्शियसनेस नहीं है कि वो सरकार को, वो पुलिस को, वो सीबीआई को डांट भी सके कि आप लोग बाहर निकलिए, आप लोग इस मुद्दे पे काम कीजिए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि कलकत्ता पुलिस ने जो अपनी चार्जशीट में लिखा है वही सही है, केवल एक ही अपराधी है और उसको सजा मिले, जबकि ये साबित हो गया है कि दिस इज अ गैंग रेप और कम से कम 10 से ज्यादा इसमें कल्प्रिट्स हैं। लेकिन सरकार और सीबीआई जो है वो उनको छुपाने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। सीबीआई को हमें सवाल पूछना चाहिए कि कैसे आपकी जांच जो है वो इतनी इनह्यूमन है कि जो बात ऑटोप्सी रिपोर्ट में साबित हो गई है, जो क्लेम डॉक्टर्स कर रहे हैं, आप उस क्लेम के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। हमें यहाँ की कोर्ट मशीन, कोर्ट को भी सवाल में पूछने, सवालों के घेरे में रखना चाहिए कि आप कैसे चुप हैं। 2 महीने से ऊपर डॉक्टर्स जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक पे हैं, लोग जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं एक मांग के साथ, और वो एक मांग आपके लिए पूरी नहीं की जा रही है। जनता को किस पे भरोसा होगा, सरकार पे, पुलिस पे, सीबीआई पे, कोर्ट पे? लेकिन आज सभी ने उन सभी दावों को जो है वो झूठा साबित कर दिया। जनता के भरोसे को वो पैरों तले कुचल रहे हैं। क्यों नहीं उतरेंगे लोग सड़क पे, ये सवाल आज सड़क लोग पूछ रहे हैं। और आज हम लोग यहाँ दिल्ली के जंतर मंतर पे भी उसी सॉलिडारिटी, जो डॉक्टर्स लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी सॉलिडारिटी के साथ खड़े हैं, उनकी जो मांग है उस मांग के साथ खड़े हैं कि डॉक्टर्स जो है जितनी जल्दी हो आरजी करके पीड़िता को न्याय मिले, ये सबसे पहली मांग है उन प्रोटेस्टिंग डॉक्टर्स की। उसके साथ उन लोगों की मांग है कि डॉक्टर्स का जो वर्किंग आवर है उसको लिमिट किया जाए, उसको फ्लेक्सिबल किया जाए, डॉक्टर्स की सुरक्षा को इंश्योर किया जाए। सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस प्रशासन, हर कोई ये दावा कर रहा है कि सुरक्षित है। जो डॉक्टर्स लोगों को बचा रहे हैं, लोगों की जान बचा रहे हैं, आज वो डॉक्टर सुरक्षित नहीं है। क्या ये मांग गलत है कि वो अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी कर रहे हैं? हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नहीं है, डॉक्टर्स की सीट बढ़ाने की मांग, डॉक्टर्स को रिक्रूट करने की मांग क्या गलत है? गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की हालत इतनी खस्ता है कि हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, बेहतर गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक सुविधा को इंश्योर कराने की क्या उनकी मांग गलत है? इन मांगों को लेकर ही उनका संघर्ष चल रहा है। और हम लोगों को ये याद रखना पड़ेगा कि ये संघर्ष जो है ये केवल अभया के लिए नहीं है, ये संघर्ष है बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज के लिए, ये संघर्ष है पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज को इंश्योर करने के लिए, ये संघर्ष है कि महिलाओं पे जिस तरीके से अत्याचार, शोषण बढ़ रहा है उस शोषण को खत्म करने के लिए, ये संघर्ष है अश्लीलता नशाखोरी और महिलाओं को जिस तरीके से सिनेमा और मीडिया ने जो दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है उनको एक समान नागरिकता के अधिकार के लिए। इन्हीं संघर्ष के साथ जो डॉक्टर्स, आम जनता कोलकाता में खड़ी है, वही संघर्ष हम लोगों को देश भर में लेके जाना है, क्योंकि वो संघर्ष केवल अभिया तक और अभिया तक ही सीमित नहीं है, वो संघर्ष देश के हर एक लोगों का संघर्ष है। और हमें याद रखना पड़ेगा कि इस पूरे संघर्ष में हर एक स्टेट मशीनरी जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। हम क्या वो पुलिस की बात करें, क्या वो सीबीआई, क्या वो हम कोर्ट की बात करें, और सरकार की बात तो हम ना ही करें तो अच्छा है। और इसीलिए जरूरत है कि आम जनता को सड़क पर उतरना पड़ेगा। जनता का ये सवाल है कि सीबीआई आप और कितना समय लेंगे, अभी तक आपकी जांच जो है वो सही तरीके से क्यों नहीं हो रही है? ममता सरकार, आप जो ये वादे कर रही हैं वो वादे कब पूरे होंगे? जल्दी से जल्दी इस घटना की जांच हो सके। डॉक्टर जो ये संघर्ष स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और अपने साथी के लिए कर रहे हैं, उस संघर्ष में जल्दी से जल्दी न्याय मिले, इसी मांग के साथ हम लोग यहाँ पर भी इकट्ठा हैं।
और ये उम्मीद के साथ कि ये संघर्ष जो है वो आगे बढ़ता जाएगा। और बोला भी गया है ये लड़ाई बहुत लंबी है लेकिन हम झुकेंगे नहीं, हम लड़ते रहेंगे जब तक कि जीत हासिल नहीं हो जाती है। यही बात कह के मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, डॉक्टर्स का संघर्ष जिंदाबाद।